हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम पार्क में आए हैं। हम सूर्य में सारा रास्ता शूट नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी था, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर सकी। तो देखें, ये पार्क है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। ओके, और मैं एंट्रेंस वाले रास्ते पे नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, वो है द प्लेइंग एरिया। वहाँ पे मेरा छोटा भाई भी खेल रहा है और ये पौधे हैं। और मौसम बहुत अजीब है क्योंकि अल्लाह को पता हो, लेकिन मौसम आज बहुत अजीब है ना। बारिश हो रही है ना, धूप निकल रही है, हवा भी इतनी गर्म है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छा मौसम है आज। ये एक्चुअल रास्ता है और ये जो रास्ता मैंने लिया था ये कोई रास्ता नहीं है। प्यारी जगह है। वैसे तो यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं क्योंकि इट्स अ क्राउडेड प्लेस ऑलवेज, हमेशा बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आज नहीं है क्योंकि ये स्कूल टाइम है। इस वक्त सब स्कूल होते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो काम पर होते हैं और बहुत कम लोग आते हैं इस वक्त क्योंकि अभी सिर्फ एक हुआ है। 4 बजे यहाँ पर बहुत रश होता है। ये देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिंदे भी होते हैं। वो मेरा छोटा भाई है और ये छोटा सा एरिया है बच्चों के खेलने का। बाकी यहाँ पर मोस्टली जो है ना वो प्लांट्स हैं, घास है और कुछ भी नहीं ज़्यादा। ये जो एरिया है ये स्केटिंग या फिर इन सब के लिए। व्हाट यू वांट? वाटर? ओके, दिस इज वेयर आई सिट। Hello. Can you drink? Yes, okay. I'm doing. Okay. It's not perfect at English yet. So let's see the park. वैसे तो ये park बहुत बड़ा है, मैं आपको सारा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जो जो मेरी फेवरेट places हैं, जो मेरा फेवरेट area है, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी फेवरेट सीट है, आई डोंट नो व्हाई, एक ये और एक वो दरख्त के नीचे, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे यहाँ बैठना पसंद है। यहाँ पर ये सिर्फ बच्चों का एरिया है और ये जो है ये जगह ऐसी बनाई गई है जहाँ पर स्केटिंग और ये सब कुछ हो सकता है। मुझे भी स्केटिंग के अलावा कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि मुझे स्केटिंग अच्छी लगती है। What is this? किसी भी चीज को टच नहीं करना चाहिए, बहुत इंटरेस्ट हो सकती है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही क्योंकि मैं हूँ खतरों की खिलाड़ी। और ये फन है? रोमांटिक जगह है। जो होता है ना ऑटम का सीजन, तब जो ये ब्रिज है ना, देखें फ्लावर्स, तब जो ब्रिज है ना उसके ऊपर जो ट्रीज के लीव्स होते हैं वो ऐसे गिरे हुए होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा सो रोमांटिक, बहुत अच्छा लगता है और क्यूट भी लगता है और मुझे चलना पसंद है। देखें, अगर मैं यहाँ से गई तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा और कोई सीढ़ियाँ तो है नहीं जहाँ से जाने के लिए। तो गाइस, आई विल टेक अ शॉर्टकट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी चीज़ें संभाल लेने दें क्योंकि हाँ, चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। वे आ रहे द ब्रिज गाइस, लाइक इज़ इट रोमांटिक। और ये ब्रिज काफ़ी लंबा है, नीचे इसके ये है। इस वक्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स होते हैं चीज़ों के, ज्वेलरी और ये सब कुछ है। आई बॉट दिस रिंग्स टुडे।
और दे आर वेरी चीप, लाइक 1 यूरो एंड एटसेट्रा. आई हैव शोन यू दैट. और ये बेल है चर्च की, जैसे कि हमारी अजान होती है यहाँ पे बेल होती है. और यहाँ पर भी छोटे छोटे फाउंटेन्स होते हैं. मुझे याद है एक दफ़ा स्कूल ने वाटर डे था, लाइक समर वेकेशंस थी और लास्ट डे था, तो तब हमने वाटर डे सेलिब्रेट किया था. और यहाँ पर हमारी पूरी क्लास आई थी और बहुत मज़ा आया था. Oh, my brother is enjoying. यहाँ पर वी कैन से पार्क एंड होता है. इट्स अ क्यूट प्लेस. मुझे इटालियन आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. लुक लुक एट दिस बिल्डिंग्स, सो ब्यूटीफुल. यहाँ पर एक दफ़ा मैं डर गई थी, क्योंकि तब दोपहर थी, स्कूल के बाद मैं यहाँ पर आई थी. घर जाने पे मन नहीं कर रहा था, ये शायद मेरी बस लेट थी वो मुझे नहीं याद, लेकिन एग्जैक्टली इस जगह से मैं डर गई थी. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे फील हुआ था कि मुझे कुछ टच किया है किसी चीज़ ने. डरे नहीं, वैसे कोई पत्ता गिरा होगा. और ये दूसरी साइड है, और ये भी बहुत अच्छी साइड है. अब मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि इनकेस मेरा भाई ना मुझे ढूंढता रहे. और ये बेल है चर्च की, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ से आवाज़ आती है कहीं यहीं कहीं से. मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ. और ये यहाँ पर जाता है एक रास्ता, और वहाँ पे भी आगे कुछ नहीं है. मैं आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि ये ना हो मैं फिर से डर जाऊँ. और ये ब्रिज बहुत प्यारी जगह है कपल्स के लिए. और जब आप सैड हो तो आप यहाँ पर आकर मेरी तरह खुद से बातें भी कर सकते हैं. So guys, finally we are out of the park and now we are going home. Oh guys, look, that is my school. That was my middle school. But बहुत प्यारी मेमोरीज है मेरी स्कूल के साथ. मिडिल स्कूल के 3 साल मैंने इधर गुजारे हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह है मेरे लिए. तो अब हम जा रहे हैं बार, वहाँ पे हम जाकर कुछ खाएंगे, क्योंकि आर यू हंग्री? प्लीज हंग्री. तो हम जाके कुछ खाएंगे. इस एरिया में बहुत प्यारी बिल्डिंग्स है. सो गाइस, आई विल मीट यू एट द बार. चाओ. Posso avere la pizza rossa per 1 euro? Eccola qua, già pronta. Grazie. Voi.